मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। बता दें कि मतगणना सुबह 8:30 से शुरू हुई है और इसकी तैयारी पहले से ही पूरी कर ली गई थी। यह काउंटिंग करीब 20 राउंड में पूरी की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक बताया गया कि बुधवार को छिंदवाड़ा जिले में अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 78.71% मतदान हुआ था। बीजेपी, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने प्रत्याशियों सहित 9 उम्मीदवारों के भाग्य का राजनीतिक फैसला 20 दौर की मतगणना में होगा। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश कौल ने बताया कि मतगणना आज सुबह 8 बजे से शासकीय पीजी कॉलेज भवन में शुरू होगी। अधिकारियों के अनुसार मतगणना स्थल पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और केवल अधिकृत पास धारकों को ही मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। बता दें कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान में 10% की गिरावट आई है। साल 2023 में यहां 88.63% मतदान हुआ था। छिंदवाड़ा जिले के इस अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट पर उपचुनाव सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठापूर्ण है, क्योंकि छिंदवाड़ा को हाल तक वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ का गढ़ माना जाता था। बता दें कि 3 बार के कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने इस साल मार्च में बीजेपी में शामिल होने के बाद विधानसभा चुनाव आवश्यक हो गया था। 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी की कमलेश शाह, कांग्रेस ने धीरन शाह इंदवाती और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने देव रमन भलावी को मैदान में उतारा है। जीजीपी ने 2003 में एक बार अमरवाड़ा सीट जीती थी। कांग्रेस ने 9 बार यह सीट जीती थी, जबकि बीजेपी 1972, 1990 और 2008 में अमरवाड़ा में विजयी रही थी।